चलिए माइक बंद कर लेंगे प्रियंका, साउंड आ रहा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नाउन। नाउन चैप्टर चलिए साथ में नोट डाउन करेंगे, फिर समझाते हैं, लिखेंगे। रूल के लिए एक लाइन छोड़ देना, रूल के लिए एक लाइन छोड़ देना, ठीक है? एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे। ए हॉर्स एंड कैरेज। ब्रेड एंड बटर। राइस एंड करी। स्लो एंड स्टडी। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। सम एंड सबस्टांस। साथ में नोट डाउन करेंगे। बैग एंड बैगेज। एग्जाम्पल्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए या एरर पार्ट में आ जाए।
नोट डाउन करेंगे। सर कर लिया नोट डाउन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने किया? ठीक है, कर लो, लिख लो, लिख लो, कोई नहीं, नोट डाउन कर लो। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनना, ठीक तो पहले मैं यहाँ पे कुछ पूछूंगा, ठीक, बाद में मैं उस पे आता हूँ। ये मत लिखना, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे अजय, यहाँ लिखूं विजय, और यहाँ लिखूं अजय एंड विजय, डैश डैश डैश, गोइंग गोइंग गोइंग, इज और आर का ऑप्शन है तीनों के लिए। नाउ लुक एट द बोर्ड, बताना मेरे को, इज और आर का ऑप्शन है, पहले में क्या आएगा बताइए? पहले में इज, इज बिल्कुल सही। दूसरे में? इज आएगा बिल्कुल। और थर्ड में बताइए? सर आर। ओके, अब एक बात बताओ, आपने आर क्यों लगाया? कोई तो रीजन होगा आर लगाने का। सही है, तीनों सही है। आर क्यों आया यहाँ पे? जब दो लोग, सुनना ध्यान से, जब दो अलग चीजें या दो लोग या दो वस्तु, दो वस्तु या दो लोग या दो चीजें एंड से जुड़ जाएं, किससे जुड़ जाएं? एंड से। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। कौन सा सब्जेक्ट बनता है? प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, समझ में आ गया? सिंपल सा रियल है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है ना आपका, ये जो रूल है आपका, ये आपका 99% चलता है, 99%, ठीक है। 1% एक्सेप्शन है, सुन लेना ध्यान से इस बात को अब। 1% एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही एग्जाम में आएगा आपको, 1% एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है कि कई चीजें, दो अलग अलग चीजें, अब रूल सुनना, दो अलग अलग चीजें एंड से जुड़ने के बाद, एंड से जुड़ने के बाद सिंगुलर बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर बनेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, समझ में आया? दो अलग अलग चीजें एंड से जुड़ेंगी तो क्या होता है कि एक चीज का निर्माण होगा, या एक अर्थ बताएंगे, या एक भाव होगा उसका। एक चीज का क्या होगा? निर्माण, एक चीज बन जाएगी, दो अलग अलग जुड़ के एक चीज बन जाएगी, या एक उनका अर्थ जो है वो एक आएगा, ठीक है। जैसे हम आते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल में, यहाँ पे तो आप ये जितना देख रहे हो, सुनना ध्यान से, जितना सब में एंड लगा है, क्या लगा है? एंड, सब में एंड लगा है। तो रूल के हिसाब से ये आपका प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, सबके सब, ये सब सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब लगता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मिलके एक चीज का निर्माण करेंगे या एक अर्थ बताएंगे। कैसे? जैसे देखो लिखा है, ए हॉर्स एंड कैरेज, ए हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा एक एग्जाम्पल पूछता हूँ आप लोगों से, कि मान लो कि हमारे पास एक कैरेज है,
एक कैरेज, अगर आप लोगों ने वो देखा हो तांगा या घोड़ा गाड़ी देखा हो, ठीक है, तो एक तो घोड़ा लगा होता है, ठीक है, और एक पीछे जो चक्के लगे होते हैं, इसमें व्हीकल लगा होता है, वो लकड़ी का जो बना होता है, उसको कैरेज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कैरेज। तो ये कैरेज है मान लो, ठीक, और ये व्हीकल लगे हैं, ठीक, ये व्हीकल लगा है, ठीक है, और इसके सामने एक घोड़ा खड़ा है, ठीक। तो मान लो ये घोड़ा है, मान लो मेरा ड्राइंग बहुत खतरनाक है, ठीक, ये मान लो मैं पैर बना दे रहा हूँ और यहाँ आंख बना दे रहा हूँ, ठीक, मान लो, सुनना ध्यान से, अब ये कैरेज है और ये हॉर्स है, ठीक है। अब ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक रस्सी से ऐसे जोड़ देता हूँ, ये रस्सी से जुड़ गया, अब ये दोनों मिलकर कितना घोड़ा गाड़ी बना, बताओ? एक ही बना ना। दो अलग अलग चीजें जब मिली तो एक चीज का निर्माण हुआ, कितना घोड़ा गाड़ी है, एक ही है, तो ये मिलकर एक चीज बना रहे हैं, और एक सिंगुलर होता है, एक क्या होता है, सिंगुलर। तो ये लोग रियल में सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर वर्ब लगेगा, ए हॉर्स एंड कैरेज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ए हॉर्स एंड कैरेज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, वाज और वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, वॉज, ठीक है। इसी तरह ये देखो, ये क्या लिखा है, ब्रेड एंड बटर। तो मान लो ब्रेड है, ये ब्रेड है, मान लो हाथ में ब्रेड है, और उसके ऊपर मैं ऐसे बटर लगाया लगाया और फिर मैंने खाया खाया, तो मैंने कितना डिश खाया, एक ही डिश खाई ना, एक ही डिश खाई, तो मैंने एक ही डिश खाई, तो ब्रेड एंड बटर एंड से दो अलग अलग चीजें मिलकर एक डिश बन गया, चीज तो एक ही बनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज और आर का ऑप्शन है तो इज आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, शराब पीकर साथ में आप गाड़ी चला रहे हो, दोनों मिलाकर एक ही काम हो रहा है, शराब पी लिया साथ में गाड़ी चला रहे हो, ठीक, तो ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें क्या आएगा, स्लो एंड स्टडी, ऑप्शन है विंस और विन, बताइए आप लोग, विंस आएगा सर, क्या आएगा, हाँ बताएंगे क्या आएगा। देखिए अगर आप विन बोल रहे हो तो ये गलत है, क्यों गलत है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब की एक निशानी होती है, सिंगुलर वर्ब की एक निशानी होती है, वर्ब की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब की एक निशानी होती है, वो हमेशा एस से खत्म होता है, किससे खत्म होता है, एस से। देखो आप यहाँ बताओ, आपने सिंगुलर लगाया तो इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है, ये बताओ, लास्ट में एस है, इन दोनों में सिंगुलर कौन है, इज, लास्ट में एस है, ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में सिंगुलर कौन होगा, लास्ट में एस वाला, तो रियल में यहाँ पे क्या होगा, विंस होगा, समझ में आया, बोलोगे भी नहीं, तो वर्ब में सिंगुलर वो होता है जिसकी एंडिंग एस से होती है, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रूल लिखना, यहाँ पर लिखो दीज आर सिंगुलर, फ्रेजेस एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स, नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़े, ये मेरी ड्राइंग अच्छी होगी, ठीक है, हाँ चलिए दूसरे रूल पे लिखेंगे, रूल लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और यहाँ पे एक दो तीन लाइन छोड़ देना, एक दो तीन, तीन एरो मीन्स तीन लाइनें छोड़ देना, रूल में बाद में लिखाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ पहले हम लिखो, आप तीन लाइनें छोड़ के एग्जाम्पल्स लिखो।
इसका ऑप्शन है वाजबर। चलिए नोट डाउन हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? आपने नोट डाउन कर लिया प्रियंका? यस सर, यस सर। ओके चलिए सुनना ध्यान से। तो एक पहले कहानी सुनना, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मत लिखना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सिंपल बहुत इजी है, और ये मत लिखना। इज और आर का ऑप्शन है, ठीक है, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? इजाजत इज फर्स्ट में आएगा, बिल्कुल सही, इज आएगा इसमें, आर। आर। ये बताओ आर क्यों आएगा, इतना बताओ, ये क्या है? प्लूरल है, क्या है ये? प्लूरल। अच्छा कैसे पता लगता है प्लूरल है? एक से ज्यादा हो, ठीक है, और तो ये कैसे पता लग रहा है? लास्ट में क्या लगा है? एस। तो अगर लास्ट में एस लगा हो, लास्ट में एस, तो जैसे हम इस आंख से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसे लास्ट में एस देखेंगे, क्या देखेंगे? एस। तो हमारे माइंड को एक मैसेज जाएगा, लास्ट में एस लगा है, ये प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो ये तो सही है, ठीक, लेकिन ये जो रूल है ना, ये सिर्फ 99% है, 1% एक्सेप्शन है जहां एकदम अलग है। अब एक्सेप्शन में क्या होता है ये सुनना। तो पहले एक कहानी सुनो, कहानी है एक सुमो पहलवान की कहानी, एक कहानी पढ़ा रहा हूं, कहानी है हमारी एक सुमो पहलवान की कहानी। इस कहानी के थ्रू आपको पॉइंट्स याद कराएंगे और फिर रूल क्लियर करेंगे। तो दिल्ली में एक सुमो पहलवान है, सुमो पहलवान होते हैं ज्यादातर जापान में, 6 फीट लंबे होते हैं वो, 6 फीट, और उनका वजन होता है 250, 300, 350 किलो, इतने ये मोटे होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं वो लोग, धप धप ऐसे करके चलते हैं ज्यादातर। तो उसी टाइप का एक आदमी, सुमो पहलवान टाइप का आदमी, एक दिल्ली में है, 6.5 फीट लंबा है, 300 किलो उसका वजन है, और ऐसे ऐसे चल चल के ना डॉक्टर के क्लिनिक में गया, ठीक है, क्लिनिक में गया, बड़ी मुश्किल से वो क्लिनिक में घुसा। डॉक्टर ने बोला बैठ जाओ, तो उसने बोला देखा चेयर प्लास्टिक है, उसने बोला हटाओ, लोहे का मंगाओ नहीं तो टूट जाएगा ये, तो लोहे का चेयर मंगाया, बैठ गया उस पर। डॉक्टर ने पूछा बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहता डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरा इलाज बताओ मैं कैसे ठीक हूँगा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, पहले ये बताओ अपना तुम करते क्या हो, दिन भर की अपने डेली रूटीन बताओ। तो उसने कहा कि मैं ना सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर मैं गरम गरम बहुत सारा खाना खाता हूँ, ठीक है, और फिर खाना खा के मैं सो जाता हूँ। बोले ठीक है, कहता फिर मैं दोपहर में उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, और फिर मैं गरम गरम बहुत सारा खाना खाता हूँ। करे बहुत अच्छा,
कहता फिर, कह रहा मैं फिर सो जाता हूँ। कह रहा बहुत बढ़िया। कह रहा फिर, कह रहा मैं शाम को उठता हूँ 7-8 बजे। कह रहा बहुत बढ़िया। कह रहा क्या करते हो? कह रहा मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर मैं गरम गरम बहुत सारा खाना खाता हूँ। कह रहा बहुत बढ़िया। कह रहा फिर सो जाते हो? कह रहा हाँ मैं फिर सो जाता हूँ। कह रहा अगले दिन फिर वही रूटीन? कह रहा हाँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है, समझ गया क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा कि देखो ठीक तो हो जाओगे लेकिन तुमको जाना होगा, सुनना ध्यान से, डॉक्टर ने कहा कि तुमको जाना होगा यहाँ से दूर पहाड़ों में, जम्मू कश्मीर ग्लेशियर। कहाँ जाना होगा? जम्मू कश्मीर ग्लेशियर। कह रहा ठीक है। और वहां जाकर डेली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आपको ये पहाड़ चढ़ना होगा। पहाड़ की हाइट, पहाड़ की क्या चढ़नी होगी? हाइट 5 किलोमीटर। सुबह 5 किलोमीटर हाइट चढ़ना है, शाम को 5 किलोमीटर, और दोपहर और रात में, शाम को मतलब दोपहर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 5 किलोमीटर की हाइट चढ़नी है। बोला ठीक है। कह रहा कम से कम आपको 6 महीने वहां रहना है और ये काम करना है, आप एकदम फिट हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब वो मोटा सुमो पहलवान सोचता रहा सोचता रहा, 5 मिनट तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, अब जो उसने कहा सुनना ध्यान से, यहीं से हमारे पॉइंट आएंगे, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि एक तो यहाँ से जम्मू कश्मीर डिस्टेंस बहुत है। क्या है? डिस्टेंस काफी दूर है, डायरेक्ट ग्लेशियर के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी आपको, आपको 1-1.5 दिन लग जाएगा पहुंचने में। कहता है एक तो डिस्टेंस बहुत है, ऊपर से वहां 6 महीने रहना है मेरे को, मेरे इलाज में टाइम बहुत लग रहा है। क्या लग रहा है? टाइम। एक डिस्टेंस बहुत है, टाइम बहुत लग रहा है। फिर उसने कहा तीसरा कि 6 महीने वहां रहूंगा तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, तो मेरे को होटल में रहना होगा, रेस्टोरेंट में खाना खाना होगा, तो मेरा मनी बहुत खर्च होगा। क्या खर्च होगा? मनी। तो एक डिस्टेंस बहुत है यहाँ से, टाइम बहुत लग रहा है, मनी बहुत खर्चा हो रहा है, उसके अलावा मेरे को 5 किलोमीटर हाइट चढ़ने को बोल रहे हो, 5 किलोमीटर हाइट, और आप एक मेरा वजन देखो, मेरा वजन देखो, वजन मतलब वेट, वजन मतलब वेट, इस वेट को लेके मैं एक बार ये चढ़ जाऊं ना, हाइट तो बहुत है, आप 3 बार बोल रहे हो, मैं एक ही बार चढ़ जाऊं बहुत है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये 300 किलो वजन लेके मैं एक बार 5 किलोमीटर का हाइट चढ़ गया, ठीक है, लेकिन चढ़ना ही नहीं है, उतरना भी तो है, उतरूंगा तभी तो अपने होटल में जाऊंगा। करे हाँ। अब उतरते समय एक बात बताओ, एक तरफ पहाड़ होगा एक तरफ खाई। बोला हाँ। अगर मैं गिर गया मेरे को रोकेगा कौन? मैं तो पूरा रोड रोलर बन जाऊंगा, 300 किलो का आदमी अगर ऐसे से करके आ रहा है कौन रोकेगा, तो उसके नीचे ही जाएगा। करा ये भी सही है। क्या अगर मैं खाई में गिरूंगा मैं मर जाऊंगा? बोले ये भी सही है। करा मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। करा फिर क्या करोगे? करा मैं यहीं कहीं पास में घूम लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा अगर इलाज नहीं करा ना तो निकलो इधर से। वो निकल गया वहां से, वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, घर पहुंचा उसको भूख लग गई, बहुत सारा खाना खाया, सो गया। वो 2-3 दिन तक ऐसे ही करता रहा, खाता रहा सोता रहा, खाता रहा सोता रहा, एक दिन खा के सोया और सोया ही रह गया, सुनना ध्यान से, सोया और सोया ही रह गया। पहलवान हमारा खत्म, पहलवान खत्म, मर गया, कहानी भी खत्म। ठीक, ओके, अब सुनना। तो जब डॉक्टर ने पहलवान को बोला ग्लेशियर जाने के लिए, ठीक है सुनना ध्यान से, तो पहलवान ने कहा, लिखना बाद में, ठीक है बाद में लिखना, सुनते जाना। पहलवान ने कहा कि डिस्टेंस यहाँ से बहुत है। क्या है? डिस्टेंस, ठीक है लिखना बाद में, सुनते जाओ। डिस्टेंस बहुत है और वहां पर 6 महीना रहना है तो टाइम बहुत लग रहा है। क्या लग रहा है? टाइम। और 6 महीने वहां रहूंगा तो मेरा मनी बहुत खर्च होगा। क्या खर्च होगा? मनी। और इस वजन को लेकर, इस वजन को लेकर, वजन मतलब वेट को लेकर मैं ये हाइट नहीं चढ़ सकता। क्या नहीं चढ़ सकता? हाइट, जो आप 5 किलोमीटर हाइट चढ़ने की बात कर रहे हो, ठीक है। बोला ठीक है। और फिर वो फॉलो नहीं किया तो मर गया। अब सुनते जाना ध्यान से। अब देखो, डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट और हाइट, इसमें से आपका 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस पूछा जाता है, फिर आपका टाइम आता है और फिर मनी आता है, इसको जल्दी नहीं पूछता। तो डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट और हाइट, अगर एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? एक यूनिट की तरह, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर। ठीक, कैसे होता है सुनना। देखो मैं एक चीज पूछता हूँ, आप मेरे को बताना, यहां से समझ में आएगा। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ ही, ठीक है, इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? ए। ए का मतलब है कि इसका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। ए का मतलब क्या होता है? इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है।
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए का मतलब है कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा देखो, इस ए का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक। इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, 60 किलोमीटर, समझना ध्यान से। एक तो पहले 60 है, एक से ज्यादा है, लास्ट में क्या लगा है? एस। तो बच्चों को ना माइंड में ये मैसेज जाता है कि एक तो एस लगा है, ऊपर से ये 60 है, तो ये प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आर लगा के आते हैं। क्या लगा के आते हैं? आर। और ये गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगा रखा है? ए। ए का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट को वो सिंगुलर मान के चल रहा है। क्या मान के चल रहा है? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ एज आएगा। एग्जाम में आपको आर ही लगाएगा। आएगा क्या यहाँ पे? एज। इज क्यों आया? क्योंकि पूरे 60 किलोमीटर को एक डिस्टेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक डिस्टेंस दिखा रहा है। समझ में आई बात? पूरे 60 किलोमीटर को एक यूनिट की तरह मान के चल रहा है वो, ठीक है। इसी तरह देखो, लास्ट में क्या लगा रखा है? एस। और यहाँ कितना है? 6। तो नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें कैसा लगेगा ये? कौन सा नाउन है ये? नाउन प्लूरल, ऐसा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वाज और वर में वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर। और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे क्या लगा रखा है? ए। इस ए का मतलब है कि इसका सब्जेक्ट इसको एक यूनिट की तरह ले रहा है। पूरा 6 साल जो टाइम है इकट्ठे, एक बार में इसको कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रही बात? एक ही बार में कंप्लीट कर रहा है उसको, तो इसको एक यूनिट की तरह मान के चल रहा है। तो फिर ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया ये? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाज वर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज, वाज आएगा, ठीक है। वाज वर का ऑप्शन है। अब समझ में आ गया? अब बताओ इसका, बताओ। 5 रुपीज, आर ए स्मॉल अमाउंट कि इज ए स्मॉल अमाउंट? इज होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या लगा रखा है? ए। तो आपको एग्जाम में यहाँ पे ए लगा देगा। क्या लगा देगा? ए। और एग्जाम में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स देगा या एरर पार्ट में पूछेगा आपसे। तो ये जो है आपका, ये जो है एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? एक यूनिट की तरह, पूरा का पूरा मिला के इसको पूरा मिलता। देखो समझना ध्यान से, ये पूरा 5 रुपए जो है ना अमाउंट है, लेकिन एक अमाउंट है, एक ही अमाउंट है। ये पूरा जो टाइम है, एक ही टाइम तो है, लेकिन एक ही टाइम है वो। समझ में आ रही बात? इसीलिए ये यूनिट की तरह यूज हुआ, सिंगुलर बन गया। कंप्लीट। तो लिखेंगे रूल यहाँ पे, लिखिए आराम से। लिखिए, व्हेन दिस इज यूज्ड एज ए यूनिट वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इंपॉर्टेंट में ये तीन ध्यान रखना, डिस्टेंस बहुत आता है आपके एग्जाम में। प्रियंका समझ में आया आपको? यस सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए, यस आपने कर लिया सर। प्रियंका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये पढ़ा था आपको, डेटा, डेटम, डेटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, मीडियम, मीडिया, नहीं पढ़ा था ना? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भाई। पहले लिखेंगे रूल, नहीं ऑन ही था, बंद नहीं किया था मैंने। चले, थैंक यू। लिखो, ओमिट। ओमिट का मतलब होता है हटा दो। ओमिट मतलब हटा दो। ओमिट यूएम एंड एड ए टू मेक प्लूरल नाउन।
सिंगुलर नाउन यहाँ लिखते हैं। इसमें से ये दोनों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। तीसरा चलिए नोट डाउन करेंगे। लिख लिया सर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सुनना, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे बॉय का प्लुरल बॉयज, चेयर का चेयर्स, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है ऐसे कर देते हैं। तो हम एफ लगा देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, सुनना, जैसे ये वर्ड है डेटा, क्या लगा है, डेटा, लास्ट में ए लिखा है, तो हमें लगता है डेटा सिंगुलर है। देखते हैं, जब आंख से ऐसे देखेंगे ना तो हमें लगेगा डेटा सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, इसको डेटास कर देते हैं एक तरीके से।
डेटास, और ये गलत है। एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा आपको, डेटास ही लिखेगा, एस लगाएगा, ये गलत है। एक्चुअली डेटा जो वर्ड है ऑलरेडी पहले से ही ये प्लूरल है, डेटा वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है डेटम, लास्ट में यूएम होता है। तो हम क्या करते हैं, डेटम ये जो लिखा है डेटम, ये जो यूएम है इसको हटा देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा डेटम, अब ये यूएम हटा देंगे, ठीक, ये यूएम ऐसे हटा देंगे और इसकी जगह ए लगा देंगे। जैसे ही आप ए लगाओगे डेटा वर्ड आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा, समझ में आया? तो डेटा अपने आप में कौन सा नाउन है बताएंगे, नाउन प्लूरल, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको लगा के देगा, वहीं बताएंगे गलत है। इसी तरह मीडियम यूएम है, यूएम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीडिया बन जाएगा, ठीक है। तो मीडियम का क्या करता है, मीडियम्स लिख के आता है, मीडियम का क्या लिख के आता है, मीडियम्स लिख के आएगा, जो कि गलत है, ठीक। इसी तरह आपने एक वर्ड हमेशा यूज किया होगा बैक्टीरिया, अक्सर तो आपको लगता होगा एक बैक्टीरिया की बात हो रही है, ऐसा माइंड में थॉट आता होगा जब आप बैक्टीरिया बोलते होंगे तो, लेकिन रियल में बैक्टीरिया जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है एक से ज्यादा बैक्टीरिया की बात हो रही है। अगर एक बैक्टीरिया है तो क्या होता है, बैक्टीरियम, क्या होता है, बैक्टीरियम। इसी तरह एजेंडा, एजेंडम, तो सबके लास्ट में यूएम है, लास्ट में क्या है, यूएम। इसमें से दो याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डेटम एंड मीडियम, डेटम एंड मीडियम, डेटम का डेटा, मीडियम का मीडिया, डेटम का डेटाज नहीं होता, मीडियम का मीडियम्स नहीं होता, ठीक। अब आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है, ज्यादातर आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, स्पॉट द एरर पार्ट, गलत भाग ढूंढ कर बताओ, कह रहा है एक लाइन लिखेगा, ये आपका ए पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सी पार्ट, नो एरर डी, किस पार्ट में गलती है बताओ, आंसर एबीसीडी में, कौन से पार्ट में, बी, ठीक, यहाँ पे गलती है, क्या लिखा है यहाँ पर, ये डेटास, तो कौन सा पार्ट है, ये बी पार्ट, तो आंसर इज बी, यहाँ क्या होना चाहिए था, डेटा होना चाहिए था, ठीक। इसी तरह इसमें बताएंगे कौन सा पार्ट गलत है, सी सी पार्ट, ए पार्ट ठीक है, बी पार्ट ठीक है, मीडियम्स नहीं होगा, आंसर इज सी पार्ट, रियल में क्या होगा, मीडिया। ओके, आपको अपने एग्जाम में क्या करना होता है, सिर्फ ए बी सी डी में आंसर देना होता है, ठीक नहीं करना होता है, जस्ट मैं ऐसे ठीक कर दिया आंसर, वहां पर सिर्फ बी पे क्लिक करोगे, 7x अगला क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। चलिए नोट डाउन कर लो, फिर आगे एक और रूल पढ़ते हैं हम लोग। एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, उसके बाद लिखना एग्जाम्पल्स। ओके, हैव यू ऑल डन, चलिए सुनना, जी
ओके, हमारे पास एक वर्ड है कजिन, ठीक है। कजिन का पूरा हिंदी सुनना क्या होता है? कजिन का पूरा हिंदी होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। चचेरा भाई या चचेरी बहन। कजिन में ना ये जो वर्ड लिखा है हमने, भाई या बहन, ठीक, इसकी मीनिंग पहले से ही शामिल है। देखो कजिन का हिंदी ये नहीं होता, सुनना ध्यान से, चचेरा या चचेरी नहीं होता। कजिन का हिंदी क्या होता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो कजिन में भाई वर्ड की मीनिंग और बहन वर्ड की मीनिंग ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ब्रदर का मतलब क्या हो जाएगा? भाई। और कजिन का पूरा मतलब क्या हो जाएगा? चचेरा भाई, चचेरा भाई। पूरा हिंदी क्या निकला? चचेरा भाई भाई। अजीब निकला ना, जैसे देखो मैं यहां से निकालता हूँ तो यहाँ पर निकला ही का हिंदी वह, माई का हिंदी क्या हो जाएगा? मेरा। कजिन का हिंदी क्या हो जाएगा? चचेरा भाई, ठीक है। ये कजिन का हिंदी। और ब्रदर का हिंदी क्या हो जाएगा? भाई। इसकी हिंदी और इसकी पूरी हिंदी, और इसका हिंदी है, पढ़ो तो क्या निकला मीनिंग, वो मेरा चचेरा भाई भाई है। अजीब लग रहा है, रियल में हमें एक ही वर्ड बार ये भाई नहीं बोलना होगा। अब ठीक है, तो अगर आप ये भाई वर्ड हटाओगे तो ये कजिन वर्ड हटाना होगा, तब जाके ये ठीक होगा। तो रूल ये है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे ब्रदर लिखा था, ठीक है। रूल ये है कि हम कजिन वर्ड के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द यूज नहीं करते, ठीक। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये गलत है, ऐसे वर्ड हम यूज नहीं करते, सिर्फ कजिन। शी इज माई कजिन सिस्टर, आप यहाँ सिस्टर वर्ड यूज नहीं करोगे, शी इज माई कजिन। क्लियर? इस तरीके से लिखेंगे, रूल लिखिए, डोंट यूज ब्रदर एंड सिस्टर वर्ड विद कजिन। नोट डाउन कर लो, आज के लिए इंग्लिश का इतना ही क्लास है, ठीक है। समझ में आया प्रियंका आपको ये वाला रूल? यस सर, चलिए, तो ये था आपका आज का इंग्लिश का क्लास, आप लोग का नाउन का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी आप लोगों से अगली क्लास में।